मोबाइल अनबॉक्सिंग करते हुए कुछ टिप्स याद रखिए। एक नंबर, टेबल या कुछ क्लीन सरफेस पे मोबाइल अनबॉक्सिंग कीजिए। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो पूरा देखिए, आपको सब समझ में आए। कटर या छोटा चाकू बॉक्स ओपन करते वक्त वो पास ही रखिए। दो नंबर, जब आप मोबाइल अनबॉक्सिंग करते हैं तो यहाँ पे उसका वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपके पास वो वीडियो के तौर पर प्रूफ रहेगा और आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तीन नंबर, सावधानी से बॉक्स ओपन कीजिए। बॉक्स ओपन करते वक्त जो कटर यूज कर रहे हैं उससे कोई नुकसान ना हो, इसकी आप केयर जरूर कीजिए। जब आप बॉक्स ओपन करोगे तो बॉक्स के अंदर की एसेसरी जरूर चेक कीजिए। मोबाइल चार्जर, यूएसबी केबल, एयरफोन जो दिए गए, सिम इंजेक्टर टूल, वारंटी कार्ड एंड मैनुअल। पांच नंबर, मोबाइल जब आप अनबॉक्सिंग होने के बाद मोबाइल की कंडीशन जरूर चेक कीजिए। मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर कुछ या बॉडी के ऊपर स्क्रैच या डेंट नहीं है, ये जरूर इंश्योर करें। छह नंबर, ओरिजिनलिटी चेक कीजिए। बॉक्स पे जो सील होता है वो यहाँ पे सील है कि नहीं प्रॉपर, वो भी चेक कीजिए। और यहाँ पे IMEI नंबर चेक कीजिए और बॉक्स का IMEI नंबर यहाँ पे कंपेयर करके देखिए। सेवन नंबर, जब आप अपना मोबाइल अनबॉक्सिंग करते हो उसके बाद यहाँ पे मोबाइल चालू कीजिए और यहाँ पे स्पीकर, कैमरा, टच बटन यहाँ पे ओके कि नहीं उसको इंश्योर कीजिए। आठ नंबर, नए फीचर जानने के लिए आपको मैनुअल या गाइड पढ़ना बहुत जरूरी है, तो उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। नाइन नंबर, जब आप अपने पुराने मोबाइल का डेटा नए मोबाइल में ट्रांसफर करते हो तब यहाँ पे केयर जरूर कीजिए, यहाँ पे सावधानी के नियम है और जरूर उसका पालन कीजिए। दस नंबर, आप अपने मोबाइल के वारंटी कार्ड और जो बॉक्स मिला है यहाँ पे कई दिनों तक इसको संभाल पे रखिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आने के बाद यही आपके काम आने वाले। ये टिप्स याद रखे और इसको यूज करके आपने मोबाइल अनबॉक्सिंग किया तो यहाँ पे आपका अनुभव बहुत खूबसूरत होने वाला है और यहाँ पे आपको प्रूफ भी मिलने वाला है कि आपने किस तरह से मोबाइल अनबॉक्सिंग